अलैकुम, वेलकम टू द हमारा किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं लाहौरी चरगा, और उसके लिए इधर हमने लिया है एक चम्मच हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पिसा हुआ और साबुत गरम मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा कप दही, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है ये, फुल मुर्गी ली है, 2 अदद नींबू और कुछ सब्ज़ मिर्च। तो चलें सबसे पहले हम मसाले को भून लेते हैं, तो बाकी सारे मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। चलें आइए मसाला भूनते हैं। पैन गरम हो गया है, अब इसमें ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, साथ में गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। मसाला हमारा भून गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने सारा मसाला पीस लिया है, ग्रीन चिल्ली को भी ग्राइंड कर लिया है, साथ में इधर ग्रीन चिल्ली सॉस है और सोया सॉस है। अब हम इस सारे सामान का मिक्सचर तैयार करते हैं। सबसे पहले दही ऐड करते हैं, उसके बाद जो सारे मसाले हमने पीसे हैं उसको, साथ में ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्चें जो हमने ग्राइंड की हैं, नमक और थोड़ा सा फूड कलर। सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, तो लीमू का रस निकाल लेते हैं। चलें बस 1 लीमू काफी है, इसको मिक्स करते हैं। चलें सामान, तो जो हमने मुर्गी को मसाला लगाया था 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख के मैरिनेट कर लिया है, अब इसको हम कवर करते हैं मुर्गी को रबड़ों के साथ।
मुर्गी को कवर कर लिया, अब इसको स्टीम के लिए रखते हैं। अब इसको 30 से 35 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ये। तो ये देखिए लाहौरी चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाया है। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कैसा बना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ये देखिए। अंदर तक मसाला चला गया इसके। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल अमारास किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।